हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में हम करेंगे वायर शार्क, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे आप नेटवर्क सिक्योरिटी को ले लो, चाहे आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग को ले लो, चाहे नेटवर्क मॉनिटरिंग को ले लो, नेटवर्किंग की किसी भी फील्ड को ले लो, तो वायर शार्क तो इम्पॉर्टेंट है ही है। पैकेट कैप्चरिंग एक ये टूल है, आप इसमें देख सकते हो कि कैसे डेटा जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्या उसकी पैकेट लेवल की ग्रैनुलर लेवल की डिटेल्स उसमें आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है, देखो, वी हैव गॉन ओवर द बेसिक थ्योरी, नाउ लेट्स पुट इट इनटू प्रैक्टिस। इन दिस टास्क वी आर गोइंग टू लुक एट सम कैप्चर्ड नेटवर्क ट्रैफिक। अच्छा, ये ऑलरेडी हम कैप्चर कर चुके हैं ट्रैफिक, तो इसमें से कुछ फाइल को हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड टास्क फाइल्स, मैंने इसको कर लिया है डाउनलोड। अच्छा, इसका पी कैप होता है एक्सटेंशन, तो ये याद रखना। तो मैंने कर दिया है सेव, ये गई है डाउनलोड फोल्डर में, देख लेते हैं फिर। वायरशार्क इज़ अ टूल यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज पैकेट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो हम वायरशार्क को यूज़ करेंगे और रियल वर्ल्ड को डेटा को देखेंगे। तो हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है, अब इसको हम फॉलो करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ टर्मिनल। ओके, cd downloads ls। ओके, ये रही नेटवर्किंग डेमो, ठीक है। तो वायरशार्क मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। फाइल ओपन, और इसमें कर लिया है नेटवर्किंग डेमो पी कैप, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। When you first load the packet into Wireshark, you have given a list of, ठीक है, हमारे पास देखो कुछ ऐसे ही आया है, 142 get और standard query google.com। देखो, आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये पूरा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो हम जाते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है। तो क्या देखना, देखो ये जिसकी रिक्वेस्ट है 142 वाली, इसमें आप देख सकते हो फ्रेम दे रखा है, ठीक है, 142 बाइट्स ऑन वायर, ईथरनेट 2 दे रखा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल दे रखा है, TCP दे रखा है, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दे रखा है। और अगर आप इसको नीचे देखोगे तो इसमें पूरे हेडर बेस दे रखा है। देखो, गेट रिक्वेस्ट गई है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, यूज़र एजेंट की स्ट्रिंग दी हुई है, neverssl.com पर एक्सेप्ट क्या है, स्टार है। तो पूरा मतलब एक तरीके से इसमें डेटा दिख रहा है आपको, और ये हेक्स में दे रखा है डेटा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें और क्या है, ये हम देख चुके हैं। अब ये देखो, ये कह रहा है देर आर 5 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर। फ्रेम 1, इसने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फ्रेम है, अगर आपको याद होगा कि OSI मॉडल में जो डेटा जाता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है, कौन सी लेयर पर, फिजिकल लेयर पर। तो ये फिजिकल लेयर हो गया, और अगर हम TCP की बात करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है। तो उसमें साइज़ दिया हुआ है, देखो 142 बाइट्स फ्रेम में। अगर आप ईथरनेट 2 की बात करो, जो हमने इसमें देखा था, तो ये बता रहा है डेटा लिंक लेयर, क्योंकि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर होता है TCP/IP में, नेटवर्क इंटरफेस लेयर होता है, और डेटा लिंक होता है आपका OSI में। जो ईथरनेट यूज़ होता है, ईथरनेट केबलिंग होती है, ये सब कहाँ होता है, डेटा लिंक में होता है। मैक एड्रेस कहाँ जाता था, डेटा लिंक में जाता था, ठीक है। अब थर्ड क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो IPv4 है, तो ये कौन सी लेयर करती थी, ये करती थी हमारी नेटवर्क लेयर। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमने OSI और TCP मॉडल देखा है उसमें डेटा वायरशार्क कैसे दिखा रहा है कि किस किस फॉर्म में जा रहा है। तो IPv4 दिखा रहा है, देखो, नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल, सोर्स और डेस्टिनेशन IPv दिखा रहा है, अभी हम देखेंगे उसको। फिर TCP दिखा रहा है, तो TCP और UDP प्रोटोकॉल कौन चूज़ करता था, वो थी ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। HTTP विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये कौन बताती थी, एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन इसको कंज्यूम करती है, यूज़ करती है लेयर को। तो ये गेट रिक्वेस्ट है, वही वाली बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बार डेटा स्ट्रीम देख लेते हैं हम। ये देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही डेटा आपका इसमें दिखा रहा है, और इसका डेटा आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो, इसमें थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में दिखा रहा है, होस्ट neverssl.com, गेट रिक्वेस्ट है, यूज़र एजेंट ये है, एक्सेप्ट ये है, ठीक है। ट्रांसमिशन में अगर आप देखोगे, इसको डिटेल में भी हम देख सकते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। देखो, सोर्स पोर्ट दे रखा है, डेस्टिनेशन पोर्ट दे रखा है, TCP
की सेगमेंट की लेंथ दे रखी है, पूरा इसमें दे रखा है, फ्लैग्स दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें सारी डिटेल है, देखो इसमें भी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, चेकसम है इसमें, ये रहा अनवेरीफाइड, सोर्स एड्रेस सब दे रखा है इसमें। ईथरनेट को अगर आप देखोगे तो इसमें भी सोर्स है, मैक एड्रेस एंड ऑल दिए, देखो मैक एड्रेस ये ऐसा होता है मैक एड्रेस, ठीक है। अगर फ्रेम की बात करें तो इसमें फ्रेम दे रखा, अराइवल टाइम, तो मतलब काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है, वायर शार्क में सब मिल जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ नॉट अ वायर शार्क रूम, ये कह रहा है कि हाँ कम्प्लीटली वायर शार्क रूम तो नहीं है। अगर आपको वायर शार्क डेप्थ में करना है तो एक रूम बनाया हुआ है क्राइलिक ने, क्राइलिक नाम के बंदे ने, तो वायर शार्क रूम आप चेक कर सकते हैं, तो हम भी कभी फिर कभी देखेंगे, अभी तो हाल फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद दैट इन माइंड क्लिक ऑन द सेकेंड कैप्चर्ड पैकेट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड कैप्चर्ड पैकेट कौन सा है, वो है ये, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड क्वेरी, इसमें हम करेंगे। What is the protocol specified in the section of the request that is linked to the application layer? तो application layer में कौन से use होता है देखते हैं हम। ओके, देखो ये भी नहीं है, UDP भी नहीं है, Ethernet 2 भी नहीं है, ये है DNS। तो इसको हम करेंगे domain name system, domain name system, परफेक्ट। विच लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल डज द सेक्शन दैट शोज द आई पी एड्रेस, अच्छा कौन सी लेयर है जो आई पी एड्रेस 172 दे रही है, कौन सी लेयर है जो 172 दे रही है, 172 दे रही है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, तो ये कौन सी देती है, नेटवर्क लेयर देती है, ठीक है, ओके। इन द सेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट दैट links to the transport layer, which protocol, protocol कौन सा है, user datagram protocol क्या होता है, UDP, तो यहाँ पे हम देखते हैं user datagram protocol, case sensitive नहीं होता ये, ठीक है। over what medium has this request been made, link to the data link, तो कौन सा medium है, ईथरनेट 2 कैसे लिखेंगे, कैपिटल आई, यस। विच लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल डज द सेक्शन दैट शोज द नंबर ऑफ बाइट्स, तो वो तो भाई फिजिकल लेयर ही करती है, ठीक है। कैन यू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ एड्रेस इज शोन इन द लेयर, अब कौन सी लेयर है, देखो ये दिखा रहा है ईथरनेट 2, तो ये जो एड्रेस दिखा रहा है मैक एड्रेस होगा ये, आई थिंक सो, परफेक्ट। तो हमने कर लिया है इस रूम को भी कंप्लीट, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, तो आप लोगों का सपोर्ट बरकरार रखना। अगले वीडियो में हम करेंगे पिंग कमांड को, जो कि है ये, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।